जी हाँ दोस्तों, आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के थर्ड टी20 मुकाबले में दोस्तों धमाकेदार गेंदबाजी देखने को मिली, या यूं कहें कि गेंदबाजी नहीं बल्कि आग के गोले बरसाए गए, क्योंकि आप हद से ज्यादा दोस्तों हैट्रिक देखे होंगे, लेकिन एक ही ओवर में चार विकेट वो भी एक साथ दोस्तों आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। ऐसा सिर्फ दो ही गेंदबाजों ने किया, उनका भी जिक्र अपनी इस वीडियो में करेंगे। लेकिन मैच के अंतिम समय में दोस्तों टीम की भी हैट्रिक हमें देखने को मिली, यानी एक ही गेंदबाज ने फिर से दोस्तों यहां पर एक बार हैट्रिक की ओर जाते हुए नजर आए, लेकिन बीच में एक रन आउट हो गया था वरना उनको भी हैट्रिक मिल जाती। तो कहीं ना कहीं देखा जाए दुबई के मैदान पर दोस्तों पूरी तरीके से गेंदबाजों का बोलबाला अभी भी सर चढ़कर बोल रहा है, जो आईपीएल से चलता आ रहा है वही दोस्तों यहां पर भी देखने को मिल रहा है। आइए एक नजर डालते हैं दोस्तों आयरलैंड वर्सेस नीदरलैंड के इस थर्ड टी20 रोमांचक मुकाबले की फर्स्ट इनिंग की हाईलाइट पर कि क्या कुछ मैदान पर घटा, किस गेंदबाज ने एक दो नहीं बल्कि चार विकेट एक साथ एक ही ओवर में लिए, और मैच के अंतिम समय में कैसे टीम की हैट्रिक पूरी हो सकी, साथ ही साथ वो हैट्रिक लेने से कितने बड़े रिकॉर्ड्स बने और क्या यहां पर स्कोर दिया है, कैसे चेज होगा, कैसे दोस्तों क्वालिफाइंग मुकाबले, कैसे राउंड के मुकाबले, और कौन सी दो दो टीमें होंगी जो आगे बढ़ती नजर आएंगी सुपर 12 में, वो सारी जानकारी आपको देंगे। लेकिन अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पा सकें। आप सभी को बताएं आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप का ये तीसरा मुकाबला है जहां अभी क्वालिफाइंग मुकाबले खेले जा रहे हैं ग्रुप ए और ग्रुप बी के बीच। ये ग्रुप ए का दोस्तों आयरलैंड वर्सेस नीदरलैंड्स का मुकाबला, और रात का मुकाबला जो होगा वो श्रीलंका वर्सेस नामीबिया का होगा। रात के समय दोस्तों इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का ही वार्म अप मैच भी होगा, शाम 7:30 बजे से ही दोनों मुकाबले शुरू होंगे। लेकिन बात करें नीदरलैंड और आयरलैंड के इस मुकाबले की, तो कहीं ना कहीं दोस्तों आयरलैंड को काफी प्रबल दावेदार माना जा रहा है इस बार क्वालिफाइंग मुकाबले में आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि दोस्तों आयरलैंड की टीम की मजबूती कुछ अलग ही निखर कर सामने आई है। उनके जो पिछले कुछ मुकाबले हुए बड़ी बड़ी टीमों से हुए, बड़ी टक्कर की टीमों से हुए, तो कहीं ना कहीं वो लड़ते लड़ते ये सीख गई हैं कि कैसे बल्लेबाजी कैसे गेंदबाजी करनी है। लेकिन अगर बात करें दोस्तों मैच से पहले आंकड़ों की, तो खेल के सबसे छोटे इंटरनेशनल फॉर्मेट में हालांकि आंकड़े नीदरलैंड के पक्ष में हैं, जिसने आयरलैंड के खिलाफ 12 टी20 मैचों में से 7 में जीत हासिल करी। नीदरलैंड की टीम हालिया वनडे सीरीज में भी आयरलैंड पर भारी पड़ी थी, लेकिन इस मुकाबले में परखच्चे उड़ा दी दोस्तों आयरलैंड के गेंदबाजों ने नीदरलैंड के बल्लेबाजों के। आप सभी को बता दें दोस्तों कि इंटरनेशनल क्रिकेट में बेहतर टीम के रूप में स्थापित होने के बाद ये दोनों टीमें टूर्नामेंट के अगले चरण में पहुंचने के दावेदार हैं। आयरलैंड ने 2009 में टी20 कप के दूसरे दौर में पहुंचकर कई लोगों को चौंका दिया था, शायद वही काम अब दोबारा करती नजर आएगी। यह टॉप लेवल की पहली वैश्विक टूर्नामेंट था उनके लिए। इस टीम के पास 2014 में शुरुआती चरण से आगे बढ़ने के बाद मौका था, लेकिन उन्हें खराब नेट रन रेट का खामियाजा भुगतना पड़ा। टीम हालांकि अपने चार टूर्नामेंट में पहले दौर से आगे नहीं बढ़ पाई। अगर बात करें दोस्तों टीम की कोशिश की, तो 2014 के बाद से टी20 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज करने की होगी। युवा और एक्सपीरियंस खिलाड़ियों के शानदार मिश्रण वाली टीम आयरलैंड ने कनाडा, संयुक्त अरब अमीरात से मैच गंवाने के बाद भी बेहतर नेट रन रेट पर क्वालिफाई करने में अपने वर्ग में शीर्ष पर रहते हुए इस साल के टूर्नामेंट में क्वालिफाई किया है। आयरलैंड ने आखिरी टी20 इंटरनेशनल दोस्तों पिछले साल ही खेला था, जहां 3 मैचों की सीरीज हुई थी, हालांकि उसे 1-2 से हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन टीम ने हाल में घरेलू सरजमी पर स्कॉटलैंड के खिलाफ त्रिकोणीय सीरीज के फाइनल में जीत दर्ज कर, लेकिन 5 देशों की सीरीज के फाइनल में उसे मेजबान ओमान से हार का सामना करना पड़ा था। अब इस मुकाबले की बात करें दोस्तों, तो यहां पर दोस्तों पहले आयरलैंड की यहां पे बैटिंग नहीं बल्कि बॉलिंग आई थी, क्योंकि नीदरलैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। शेख जयाद स्टेडियम अबू धाबी का यही शानदार स्टेडियम है जहां पर अभी तक आईपीएल के मुकाबले खेले जा रहे थे, और इसी मैदानों पर 200 के आराम से मुकाबले भी बने हैं। लेकिन ये दोस्तों सिर्फ 106 रन ही पहुंच पाया नीदरलैंड का स्कोर फर्स्ट इनिंग के दौरान। उसके पीछे का रीजन वो चार विकेट एक साथ और लास्ट में एक हैट्रिक भी। वो चारों दोस्तों कहीं ना कहीं विकेट अपने आप में बहुत ऐतिहासिक विकेट बन गई है, क्योंकि एक महानतम खिलाड़ी लसित मलिंगा की उस गेंदबाज ने बराबरी कर ली है। आप सभी को जानकारी दें तो शुरुआत में नीदरलैंड ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया, और साथ ही साथ अपनी प्लेइंग 11 का अनाउंसमेंट किया, जिसको जानने के लिए अभी हर देश एक्साइटेड है कि किस देश की कौन सी प्लेइंग 11 रहेगी। आयरलैंड की प्लेइंग 11 की करें तो पॉल स्टीलिंग, केविन ओब्रायन, एंड्रू बलब्रिन जो कप्तान है, गैरेट डेलिनी, हैरी टैक्टर, कर्टिस कैंपर, रिमेंबर द नेम कर्टिस कैंपर, नील डॉक जो विकेट कीपर है, सिमी सिंह, मार्क एडायर, बेंजामिन वाइट, जोशुआ लिटिल। तो वहीं नीदरलैंड की प्लेइंग 11 में मॉक्स दोस्तों ऑडिट देखने को मिले, और साथ ही साथ बीन कूपर, बास डे लीडे, कॉलिन एकरमैन, रैंट एंड डोस्टे, कॉस्ट स्कॉट एडवर्ड्स, रॉयल्फ वेंदर मार्वे, पीटर सीलर, लोगन वैन वीक देखने को मिले, फ्रेड क्लासन देखने को मिले, और ब्रैंडन ग्लोवर देखने को मिले। ये मैदान दोस्तों अबू धाबी का था, पहले बल्लेबाजी करने के लिए उतरी टॉस जीतकर नीदरलैंड की टीम सिर्फ 106 रन बना पाई और ऑल आउट हो गई आखिरी गेंद तक। शुरुआत में दोस्तों मॉक्स ऑडेड ने एक अच्छी पारी की शुरुआत करी, लेकिन बैन कूपर
पहली ही गेंद पर दोस्तों रनआउट हो जाते हैं। रनआउट का मतलब दोस्तों आप भी समझते हैं कि टीम का कहीं ना कहीं किस्मत खराब है। तीन गेंदों में टीम का एक ही रन बना था और बैन कूपर दोस्तों पहली ही गेंद पर आउट हो जाते हैं। फिर पांचवें ओवर की चौथी गेंद पर बास डे लीडे अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, थोड़ी बहुत यहाँ कोशिश कर रहे थे चौके छक्के बरसाने की, 11 गेंदों में 7 ही रन बना पाए थे। जोशुआ लिटिल ने इनका विकेट लिया और दूसरा विकेट था जहाँ 22 रन पर नीदरलैंड की टीम ने दूसरा विकेट खो दिया। उसके बाद एकरमैन यहाँ पर मैक्स का साथ देने के लिए थोड़ी देर खड़े हुए थे, एक चौका दोस्तों बास ने लगाया था और एक ही चौका दोस्तों यहां पर लगा पाए थे एकरमैन। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोनों बहुत ही अच्छी कोशिश कर रहे थे, एकरमैन यहाँ पर पूरी कोशिश कर रहे थे कि आगे बढ़ के शॉट मारे, लेकिन 16 गेंदों में 11 रन की ही पारी खेल पाए। अब यहाँ से आता है कर्टिस कैम्फर का तूफान। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने गेंदबाजी नहीं बल्कि आग के गोले बरसाए। 10वें ओवर की वो दूसरी गेंद थी दोस्तों जहाँ पर एकरमैन का विकेट टीम के निजी स्कोर 51 रन पर गिरता है। वो शानदार गेंद के दम पर दोस्तों एकरमैन का सीधा यहाँ पर कैच पकड़ते हैं नील दोग। उसके बाद टैन डोस्टेट आ रहे हैं दोस्तों मैदान पर, जो कि अच्छी बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं इस मुकाबले से पहले। जैसे ही ये मुकाबला शुरू होता है और पहली गेंद का सामना करते हैं यहां पर कर्टिस कैम्फर की, 10 दोस्तों आउट होते हैं पहली गेंद पर LBW। उसके बाद मैदान पर आते हैं स्कॉट एडवर्ड्स और अब कर्टिस कैम्फर थे हैट्रिक पर। स्कॉट एडवर्ड्स जैसे ही सेट होने की कोशिश करते हैं बल्ला जमीन पर गिराते हैं, यहां पर कर्टिस कैम्फर की तेज तरार एक गेंद आती है और LBW आउट होते हैं स्कॉट एडवर्ड्स, और ये हो जाती है यहां पर कर्टिस कैम्फर के करियर की और इस T20 वर्ल्ड कप की पहली हैट्रिक। साथ ही साथ यहाँ पर सिलसिला खत्म नहीं हुआ, वांडर मर्वे दोस्तों बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं और सीधा बड़ी तेजी से इनका विकेट गिरा देते हैं, वांडर मर्वे का विकेट कर्टिस कैम्फर। यानी कि टीम के दोस्तों अब बड़ी ही तेजी से 6 विकेट हो गए थे 10वें ओवर की पांचवी गेंद तक 51 रन के निजी स्कोर पर। जहां इस ओवर से पहले 3 विकेट थे दोस्तों 51 रन पर, वहीं इस ओवर की समाप्ति तक 51 रन पर 6 विकेट हो गए थे। एक ओवर में 6 विकेट लेने का अगर कारनामा की बात करें दोस्तों तो वो कुछ ही गेंदबाज कर पाए हैं, जिसमें दोस्तों नाम आता है सबसे महानतम खिलाड़ी लसित मलिंगा का। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कर्टिस कैम्फर लगातार 4 गेंदों पर 4 विकेट लेने वाले T20 इतिहास के तीसरे गेंदबाज बन गए। उनसे पहले श्रीलंका के पूर्व कप्तान लसित मलिंगा और अफगानिस्तान के पूर्व कप्तान राशिद खान ने ऐसा किया है। ICC T20 वर्ल्ड कप में हैट्रिक लेने वाले कर्टिस कैम्फर दूसरे गेंदबाज हैं। उनसे पहले 14 साल पहले 2007 में ऑस्ट्रेलिया के ब्रैडली ने बांग्लादेश के खिलाफ केप टाउन में ऐसा किया था। जहां तक 4 गेंदों पर 4 विकेट का सवाल है तो राशिद खान ने आयरलैंड के खिलाफ ही 2019 में और मलिंगा ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 2019 में ये उपलब्धि हासिल की थी। कैम्पर इतिहास के पन्नों में 22 साल के हैं, सिर्फ 22 साल के कर्टिस कैम्पर इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा, क्योंकि T20 इंटरनेशनल वर्ल्ड कप में ऐसा कारनामा किसी ने नहीं किया। अब यहां पर दोस्तों आखिरी के ओवरों की बात करें कि 51 रन पर यहां पर टीम की जल्दी विकेट गिर गई थी। उसके बाद यहां पर लास्ट के ओवर की ही बात कर लेते हैं, 20वें ओवर की, जहां टीम का स्कोर 105 रन था। अब 88 रन पर दोस्तों यहां पर मैक्स ऑडेट का विकेट गिरता है, जिन्होंने इस पारी में सबसे ज्यादा रन 47 गेंदों में 51 रन बनाए 7 चौके की मदद से। मार्क एडायर ने इनका विकेट लिया। उसके बाद मार्क एडायर ने दोस्तों आखिरी ओवर कराया था, जहां पर आखिरी ओवर की चौथी गेंद पर दोस्तों एक विकेट जाता है, यहां पर कैच आउट होते हैं स्टीलर। उसके बाद वैन बीक दोस्तों यहां पर बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं और वैन बीक होते हैं रन आउट। 12 गेंदों में 11 रन बनाते हैं सीलर, 29 गेंदों में 21 रन बनाते हैं। उसके बाद आखिरी गेंद पर ब्रैंडन ग्लोवर आते हैं बल्लेबाजी करने के लिए, 19वें आखिरी ओवर की छठी गेंद होती है जहां पर इनका भी विकेट मार्क डायर लेते हैं। तो टीम की भी हैट्रिक एक हो जाती है, एक तरीके से इस मुकाबले में टीम की 2 हैट्रिक होती हुई नजर आई, एक ही मुकाबले में 2 हैट्रिक। ये ऐतिहासिक मुकाबला है। आयरलैंड की तरफ से बल्लेबाजी करते हुए पॉल स्टिरिंग और केविन ओब्रायन ने अच्छी शुरुआत दिलाई है। आप सभी को बता दें दोस्तों अभी क्वालिफाइंग मुकाबले चल रहे हैं, जहां क्वालिफाइंग मुकाबलों पर अगर नजर डालें तो टीमों को 2-2 चरणों में बांटा गया है। क्वालिफाइंग मुकाबलों के लिए अलग और साथ ही साथ यहां पर सुपर 12 के लिए अलग ग्रुप में बांटा गया है। अगर क्वालिफाइंग के लिए बात करें तो क्वालिफायर ग्रुप ए में श्रीलंका, आयरलैंड, नीदरलैंड और नामीबिया है। अब आयरलैंड और नीदरलैंड का मुकाबला दिन वाला है, श्रीलंका और नामीबिया का मुकाबला शाम 7:30 बजे आज 17-18 तारीख का। क्वालिफायर ग्रुप बी की बात करें तो बांग्लादेश, स्कॉटलैंड, पापुआ निगिनी और ओमान है। इन दोनों ग्रुप में से 2-2 टीमें सिर्फ आगे बढ़ती नजर आएंगी, बाकी टीमों दोस्तों पिछड़ती नजर आएंगी, जो हमें देखना दिलचस्प होगा इस पूरी सीरीज के दौरान। अब 106 ही रन बना पाए दोस्तों नीदरलैंड की टीम 120 गेंदों में पहले बल्लेबाजी करते हुए, ऑल आउट हो गई। कर्टिस कैम्फर की गेंदबाजी की बात करें दोस्तों तो इन्होंने हैट्रिक नहीं बल्कि 4 विकेट एक साथ लिए। जहां पर इनके ओवर की बात करें तो सबसे बेस्ट इनका बन गया है दोस्तों, 4 ओवर में 26 रन देते हुए 4 विकेट लिए। वहीं मार्क एडायर ने 4 ओवर में 9 रन देते हुए 3 विकेट और जोशुआ लिटिल ने भी 4 ओवर में 14 रन देते हुए 1 विकेट चटका ही दिया। आयरलैंड की बल्लेबाजी की शुरुआत हो गई है, केविन ओब्रायन 5 गेंदों में 9 रन
और 8 गेंदों में 3 रन जब तक ये वीडियो है तब तक के लिए दोस्तों यहां पर स्कोर पहुंच गया। आप देखते हैं कि यहां से नीदरलैंड को कितनी जल्दी हराकर आयरलैंड अपने नेट रन रेट को सुधारती है और साथ ही साथ आगे बढ़ती नजर आएगी आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप के थर्ड मुकाबले को जीतकर आगे की सुपर 12 की जंग के लिए। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट चेस करना है दोस्तों एक साथ आयरलैंड की टीम को 120 गेंदों में। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।